श्रावस्ती जिलाधिकारी ने किया नवनिर्मित प्रसव कक्ष का शुभारंभ। प्रसव कक्ष के लोकार्पण के उपरांत जिलाधिकारी यसु रुगस्ती ने पैथोलॉजी टेलीमेडिसिन केंद्र, नेत्र परीक्षण केंद्र ओपीडी का जायजा लेने के साथ ही महिला चिकित्सक डॉक्टर अमृता सिंह के कक्ष में जाकर अभी तक महिलाओं को लगाए गए अंतराय इंजेक्शन का ब्यौरा भी लिया। अंतराय रिपोर्ट कार्ड में हेल्पलाइन नंबर न दर्ज पाए जाने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के सिंह को निर्देश दिया कि रिपोर्ट कार्ड में फ्री सेवा हेल्पलाइन नंबर 1800180304 को जरूर दर्ज कराएं ताकि महिलाओं को राय लेने में सुगमता हो सके। जिलाधिकारी ने शंकरपुर पहुंचकर चल रहे मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण कार्यक्रम का जायजा लिया। इस दौरान ड्यूलिस्ट RCH पंजीका एवं आशा डायरी अपडेट न मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित ANM पूजा पाल आशा संगिनी को फटकार लगाते हुए ढंग से कार्य करने की नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने आशा को निर्देश दिया कि परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार तथा करें तथा अंतराय इंजेक्शन के बारे में भी लोगों को बताकर उन्हें लगवाने हेतु प्रेरित करें। नहीं, अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। पहले यहाँ पे 2 बेड्स का ही लेबर रूम था और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे 6 का चाहिए था, तो 2.5 साल पहले ये कार्य शुरू हुआ था और अभी 6 बेड्स का यहाँ पे लेबर रूम हमने स्टार्ट किया है। आज से स्टार्ट हो जाएगा। यस, सो आई होप कि यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराएँ और जो सरकारी सुविधाएं अब कोई भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे हेल्थ पार्टनर्स मॉनिटर कर रहे हैं, तो बेहिचक यहाँ पे आएँ और सुरक्षित डिलीवरी कराएँ।